1981 में नौकरी से रिटायर हुई जिद ऐसी कि 100 साल की उम्र में भी बच्चों को पढ़ाती है। लक्ष्मी जी के इस जुनून के लिए एक लाइक तो बनता ही है। लक्ष्मी टीचर पर बच्चों को शिक्षित करने का ऐसा जुनून सवार है कि 100 साल की उम्र में भी बच्चों को पढ़ाती हैं। रोज सुबह बालकृष्ण स्ट्रीट गांधीनगर स्थित उनके घर पर बच्चे जमा हो जाते हैं और लक्ष्मी उन्हें पढ़ाती हैं। लक्ष्मी के पढ़ाने के जज्बे के आगे बढ़ती उम्र ने भी हार मान ली है। लक्ष्मी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के हिंदूपुर में 1923 को हुआ था। उन्होंने 1942 में शारदा विद्यालय स्कूल गंबी चट्टी पलियम में 1942 से अपनी टीचिंग करियर शुरू की। लक्ष्मी 1981 में रिटायर हो गई थी, लेकिन बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। वैसे तो लक्ष्मी 8वीं कक्षा तक हर विषय पढ़ाती हैं, लेकिन हिंदी से उन्हें खास लगाव है। उन्हें हिंदी भाषा का गहरा ज्ञान है और उन्होंने तकरीबन 80 साल तक टीचिंग की है और उसका ही उन्हें एक्सपीरियंस है। आज भी बहुत से छात्र हिंदी में अच्छे नंबरों से पास करने के लिए लक्ष्मी की मदद लेते हैं। 1949 में लक्ष्मी ने नौकरी छोड़ दी, सीपी सुंदरेश्वरन से शादी की। लक्ष्मी के पति भी शिक्षक थे और दोनों उडुमाल पेट के कराटू मदम स्थित गांधी कला निलयम में पढ़ाना शुरू किया। लक्ष्मी 1981 में जिस दिन रिटायर हुई, उस दिन से घर पर बच्चों को हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जब सिर्फ 4 साल की थी, तभी उनके पिता चल बसे। उनकी मां ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। पिता के निधन के बाद लक्ष्मी को उनकी मां कोयम्बटूर ले गई। मां ने ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, नारी सशक्तिकरण पर लक्ष्मी की मां बहुत जोर देती थी। माँ के कहने पर लक्ष्मी ने पढ़ाना शुरू किया। लक्ष्मी के बेटे शंकर ने बताया कि उनके पास अभी 20 बच्चे पढ़ने आते हैं। गौरतलब है कि लक्ष्मी पर भी उम्र की मार पड़ चुकी है। उन्हें 2017 से बाएं कान से सुनाई नहीं देता। हियरिंग एड लगाने के बाद वो बच्चों पर और ज्यादा ध्यान देती हैं। बच्चों के पास बैठकर वो उनके होंठ पढ़ती हैं। बच्चे गलत उच्चारण करते हैं तो लक्ष्मी टीचर उनको सुधारती हैं। लक्ष्मी के लिए पढ़ाना मेडिटेशन जैसा है। दोस्तों, बच्चों को पढ़ाकर उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। तो यदि आप हमारे चैनल को अप्रिशिएट करना चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए, तो हमें सुपर थैंक्स के द्वारा गिफ्ट भेज सकते हैं और अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं।